प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों द्वारा धूम्रपान मदिरापान से होने वाली बीमारियों की मॉडल के माध्यम से जानकारी दी गई। वहीं सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम, पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली उत्पादन व कूड़ा निस्तारण के बारे में दर्शकों को जागरूक किया। कार्यक्रम के आयोजक नईम रजा खान ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चों को हर क्षेत्र में विकास कराना है। पढ़ाई के साथ ही अन्य गतिविधियों में बच्चे का आगे आना जरूरी है। विद्यालय के प्रबंधक जावेद सिद्दीकी ने कहा कि विद्यालय द्वारा समय समय पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनका उद्देश्य समाज में जन चेतना लाना है। हम सिर्फ बच्चों को किताबी एजुकेशन ना देके हम सिखाना चाहते हैं ना डूइंग बाय द लर्निंग, कुछ करके कुछ सीखना। जब कुछ करेंगे तभी वो कुछ सीखेंगे। कॉम्पिटिशन कराते हैं, इसके पीछे दो मकसद हैं। एक तो यह है कि जो बच्चों का किताबी ज्ञान है उससे बाहर निकल के उसको करके देखें, और दूसरा यह है कि जब हम क्लासेस में पढ़ाते हैं तो बच्चों के अंदर नई जागरूकता पैदा होती है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो सवाल नहीं कर पाते हैं, जिनका टीचर जवाब नहीं दे पाते हैं, तो ये मॉडल कॉम्पिटिशन इसके लिए एक दरवाज़ा खोलता है। साइंस का उपयोग करते हुए जो भी इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है, और पहाड़ी इलाकों में वाटर कंजर्वेशन का मामला है, सड़कों की सेफ्टी का मामला है, शराब से होने वाले नुकसानों का जो लोगों को पता नहीं है कि स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उससे किस तरह से नुकसान होते हैं बॉडी के अंदर, उन सब चीज़ों को अपने मॉडल के सहारे वो दिखाने की कोशिश करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पे पेरेंट्स को भी बुलाया है तो वो भी इससे जागरूक होते हैं।